गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे। अच्छी प्रॉब्लम है ये और कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। द स्पोर्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजटेड द फॉलोइंग डाटा फॉर द कमिंग ईयर। सेल्स दिए 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 40,000, फिक्स कॉस्ट है 50,000। फाइंड आउट द पीवी रेशियो, ओके, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ, ये जितने भी ऑप्शंस दिए हैं इन सारे ऑप्शंस पर क्या चेंजेस आएंगे वो बताना है। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले तो हमें पीवी रेशियो निकालना है, तो हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 1 लाख माइनस 40,000, तो हमारा कंट्रीब्यूशन है 60,000 का। तो पीवी रेशियो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल 60%, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 50,000 अपॉन 60%, तो ये आ जाएगी हमारी 83,333। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल, 1 लाख माइनस 83,333, 16,667। और कुछ पूछा है, नहीं पूछा है। अब इन्होंने बोला है कि अगर मेरी ये चेंजेस होते हैं तो इन चेंजेस से क्या फर्क पड़ेगा वो बताइए। तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट देखिए, चार फैक्टर दिए हमको, एक तो कंट्रीब्यूशन, एक पीवी रेशियो, एक ब्रेक इवन पॉइंट और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहला, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज है इन वॉल्यूम। अगर 20% इंक्रीज होगा वॉल्यूम में, तो पहले अभी 1 लाख है, वो 1 लाख की जगह क्या हो जाएगा, 1,20,000, ठीक है। एक काम करते हैं, हम कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं। चलिए, तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 1,20,000 माइनस 48,000, 72,000। पीवी रेशियो क्या रहेगा, 50,000 कितनी है, 50,000 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, 36,667, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक एडजस्टमेंट हुआ, मैं कलर चेंज करता जाऊंगा। दूसरा, 20% डिक्रीज इन फिजिकल सेल वॉल्यूम, बी 20% डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा। तो अब ये 60% ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है,
80,000 माइनस 8333, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी नेगेटिव है, सही है। चलिए अब फिर से सी पार्ट, क्या बोला है इन्होंने, 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी जो एक 42,000 है, 40,000 है, वो हो जाएगा 42,000, तो ये 60% से ये 58% हो जाएगा। तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, तो अब 38,000 हो जाएगा, तो ये 62% हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फिर बोला है 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये 50 से 55% हो जाएगी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी सी कम हो जाएगी, 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल में तो कोई चेंज है नहीं, अब ये 50 से 45% हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप, 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 10% इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम। ओके, अब देखिए 10% सेलिंग प्राइस डिक्रीज होगी एंड 10% सेल वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो ये होगी 49,000। वेरिएबल कॉस्ट तो 55.55%, 50,000 ये आ जाएगी 90,009, तो ये आ जाएगा 99,000 माइनस 90,009, तो ये 8991 सही है। ओके, ये जी हो गया। अब थोड़ा कलर चेंज कर दें, बहुत देर से ये कलर आ रहा है। एच में क्या है, देखिए 10% सेलिंग प्राइस इंक्रीज करें और वॉल्यूम कम करें, सेल प्राइस 10% से इंक्रीज और वॉल्यूम 10% से डिक्रीज। तो वॉल्यूम 10% से डिक्रीज करेंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, तो पीवी रेशियो रहेगा 63.63%, ठीक है। और द लास्ट वन क्या था, 5,000 वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो गई एकम्पनीड बाय 15,000 फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गया। वेरिएबल कॉस्ट 5,000 से डिक्रीज हो गई है, फिक्स कॉस्ट
15,000 से इंक्रीज हो गया, तो ये 65,000 हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, ये 65%, 65,000 बटे 65%, तो यानी कि ये पूरा 1,00,000 हो जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गई नील। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा ट्विस्ट कैसे कर रहा है क्वेश्चन, इसी ट्विस्टिंग्स के हिसाब से आपको समझना है, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होंगे। थैंक यू।